यू मैम. नाउ इट्स टाइम फॉर वॉट वी आर ऑल वेटिंग फॉर द रिलीज ऑफ द कॉमेमोरेटिव कॉइन ऑफ श्री एनटी रामाराव गारु बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज स्टैंड अप सो दैट व्हेन द कॉइन इज रिलीज्ड वी शो आवर रेस्पेक्ट्स टू द ग्रेट इंडिविजुअल्स हियर. Can we have the other coins also for the group photograph? Other coins, please. Thank you very much, ma'am. Another moment we are waiting for. We would request the Honorable President of India to address the gathering. And she is also the youngest president ever born in India after independent India. And we would like, yeah. And there, just before we call the address to the president, there are two more mementos. One, we would request Nivedita to hand over a memento. To Sri Nara Chandrababu Naidu Garu. And Sri Hitesh, to please hand over a memento to Sri J.P. Nadda ji garu. Thank you very much. Request the President of India to address the gathering. आज के इस महत्वपूर्ण समावेश में मंच पर उपस्थित श्री मोहन कृष्णा जी, श्रीमती जी लोकेश्वरी जी, श्री बालाकृष्ण जी, श्रीमती डॉक्टर डी पुरेंद्रेश्वरी जी, श्री रामाकृष्ण जी, श्रीमती एन भुवनेश्वरी जी, इस सभागार में उपस्थित श्री जेपी नड्डा जी, श्री एन चंद्रबाबू नायडू जी और अन्य गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, स्वर्गीय श्री नंदमुरी तारक रामा राव जी को लोक स्नेह और सम्मान के साथ एनटीआर के नाम से याद करते हैं. इनकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में उनकी स्मृति को मैं शत शत नमन करती हूँ. स्वर्गीय श्री एन टी रामाराव जी की स्मृति में उनकी आकृति से युक्त सिक्का प्रस्तुत करने के लिए मैं भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की सराहना करती हूँ. डॉक्टर पुरेंद्रेश्वरी जी ने इस स्मृति समारोह से जुड़ी पूरी प्रक्रिया को निष्ठा के साथ आगे बढ़ाया है. मैं उनकी विशेष सराहना करती हूँ. स्वर्गीय रामाराव जी की पुत्री के रूप में डॉक्टर पुरेंद्रेश्वरी जी एक असाधारण विश्वास विरासत की उत्तराधिकारी है. देवियों और स्वजनों, स्वर्गीय श्री एन टी रामाराव जी ने तेलुगु फिल्म के जरिए भारत सिनेमा और संस्कृति को समृद्ध बनाया है. उन्होंने रामायण और महाभारत के प्रमुख पात्र को अपने अभिनय से जीवंत रूप प्रदान किया है. उनके द्वारा अभिनीत प्रभु श्री राम, श्री भगवान श्री कृष्ण के चरित्र इतनी सजीव बन पड़ी थी कि लोग रामाराव जी को पूजने लगे थे. तिरुपति में भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी का दर्शन करने के बाद बहुत से लोग चेन्नई, जो तब मंदराज कहलाता था, जाकर श्री एन टी रामाजी जी को दर्शन करते थे. ऐसा इसलिए था कि एनटीआर ने भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी का संजीव अभिनय अपनी फिल्म में किया था.
स्वर्गीय श्री रामाराव जी अपने भवन की बालकनी से उनका अभिवादन स्वीकार करते थे। उनके उनसे जुड़े ऐसे बहुत से अनूठे उदाहरण सुनने को मिलता है। उनके बारे में एक अत्यंत रोचक संस्मरण मुझे बताया गया है। 1970s में एक महिला अपने गांव से अपने बेटे के पास मद्रास आई थी। वह अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ रिक्शे पर कहीं जा रही थी। रास्ते में एक जगह उन्हें भारी भीड़ दिखाई दी। उनकी 10-12 साल की ग्रैंड डॉटर से पूछा, ये क्या हो रहा है? ग्रैंड डॉटर ने उनको बोले बताया कि वे लोग NTR के मकान के बाहर उनकी एक झलक पाने के लिए खड़े रहे थे। दादी माँ ने रिक्शा रोका। रिक्शे से उतरकर दादी माँ ने वहाँ की धरती को प्रणाम किया और फिर आगे बढ़े। ये अनूठा जीत केवल NTR के व्यक्तित्व, उनकी स्मृति को दर्शाता है। वो कैसे महान है, कैसे जीवंत फिल्म लोगों के द्वारा लोगों के सामने प्रस्तुत किए और पूरा देश विदेश के लोग उनको पूजने लगे। मुझे बताया गया है कि एक फिल्म में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, दुर्योधन और कर्ण तीनों भूमिकाओं से अद्भुत अभिनय की है। उन्होंने सामान्य लोगों के दुख दर्द को भी अपने अभिनय से अभिव्यक्त किया था। अपनी एक फिल्म मनुसुलु अन्ना बकट्टे यानी सभी मनुष्य एक समान है के द्वारा उन्होंने सामाजिक न्याय और समानता का संदेश प्रसारित किया था। ये आदर्श सभी देशवासियों के लिए सदैव प्रासंगिक है। एक अभिनेता के रूप में उनकी लोकप्रियता एक जनसेवक और नेता के रूप में भी उतनी ही व्यापक बनी रही। उन्होंने अपने असाधारण व्यक्तित्व और कर्मठता के बल पर भारतीय राजनीति के एक अनोखा अध्याय और शुरू किए थे। उन्होंने जनकल्याण के अनेक कार्यक्रम चलाए जिन्हें आज भी याद किया जाता है। इस समारोह के आयोजन के लिए एक बार फिर मैं वित्त मंत्रालय की टीम को तथा डॉक्टर पुरेंद्र सर जी को सराहना करती हूँ। स्वर्गीय श्री NT रामाराव जी के विलक्षण व्यक्तित्व की स्मृतियाँ देशवासियों विशेषकर तेलुगु भाषावासियों के हृदय में सदैव अंकित रहेंगी। इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच मैडम। वी आर इंडीड ऑनर्ड by your kind words. I request all of you to rise for the roll of the drum and national anthem.